भारत का सबसे बड़ा फ्री डायलिसिस हॉस्पिटल अब दिल्ली में। ये सारा जर्मन टेक्नोलॉजी से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा है, मान लेते बहुत अच्छा है। हम रेंट पर रहते हैं, हमारे पे इतना है भी नहीं इतना लगाने के लिए। हम 2 महीने से करवा रहे हैं, इतनी नौबत आ गई कि पापा को उधार लेने पड़े पैसे। और ये एक ब्लॉक है, आगे आप जाएंगे दूसरा है। प्राइवेट रूम्स हैं जिनमें कोई बीमार है, सीरियस इन्फेक्टेड है, मतलब उस भगवान की कृपा बनी रहे, इसी प्रकार संस्था चलती रहे और जो संस्था चलाने वाले उनकी आयु बढ़ती रहे। नहीं, हम तो पहले भी ऐसे थे, लेकिन जो बदनाम करने वाले वो आगे भी हमें करेंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उन लोगों के लिए बहुत सुकून वाला काम है जो लोग बाहर के स्टेट से आते हैं यहाँ पर सफदरजंग एम्स दिल्ली में इलाज कराने के लिए, जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं होती है। देश का सबसे बड़ा भी है, सबसे यूनिक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे कोई बिलिंग काउंटर ही नहीं है। एक बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ी फैसिलिटी मिली है सभी लोगों के लिए, छोटे लोग बड़े लोगों सभी के लिए, इसलिए आए हम। गोंडा से आए, गोंडा जिले से आए, वही सोशल वर्कर हैं, आप इनको लेकर आए थे। सबसे अच्छी बात ये है कि इस हॉस्पिटल की खास बात कोई कैश काउंटर नहीं है, कमाल है यार, मतलब इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, देखिए यहाँ पर सब इधर बैठे हुए हैं, इधर लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका। ये काउंटर है लेकिन बिलिंग काउंटर नहीं है। बहुत खुश है हम, मैं बहुत पैसा लगा के अपनी मदर के लिए आ चुका हूँ, लगा चुका सब कुछ, अब हालत ये आ गया कि नहीं है तो फिर 15 लाख रुपये खर्चा हो चुका होगा। 15 लाख, मैं तो 15-20 लाख रुपए तो कम खर्च कर चुका हूँ। कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ना हम किसी का आधार कार्ड देखते हैं, ना राशन कार्ड, ना पैन कार्ड। ज़्यादा से ज़्यादा इस हॉस्पिटल को लेकर ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी गंदगी को देख के पेशेंट मर जाता है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल उसके बिल को देख के। आदाब नमस्कार, मैं हूं अकरम खान, द न्यूज़ गेट में आपका स्वागत है। बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओपनिंग में आपने स्क्रीन पर खुद देख लिया होगा कि मैं क्या बताने के लिए जा रहा हूं। 100 बेड बिल्कुल फ्री, डायलिसिस, ये सब सारी बातें अभी सब सामने आएंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाला साहेब गुरुद्वारे में, जो कि सिद्धार्थ विहार में मौजूद है, और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं मंजीत सिंह तिर्था जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 100 बेड सब किस तरीके से ये हो पाया, मतलब अगर किसानों की मैं अगर बात करूं, किस किस तरीके से जोड़ के बातें हो रही थी और आज आपने तो बिल्कुल ही सिचुएशन ही बदल दी। नहीं, हम तो पहले भी ऐसे थे, लेकिन जो बदनाम करने वाले वो आगे भी हमें करेंगे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका तो मकसद कुछ और है, लेकिन हमारा मकसद सेवा है। उनको जो उनकी सोच है उनके मुबारक है, और हम अपनी सोच से काम करने वाले लोग हैं। हमें पता है कि जो मानवता की सेवा है वो आज कितनी जरूरी है। आप ये जो देख रहे हैं, आप इधर से घुमा के दिखाएं इनको, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा जर्मन टेक्नोलॉजी से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये एक ब्लॉक है, आगे आप जाएंगे दूसरा है। प्राइवेट रूम्स हैं जिनमें कोई बीमार है, सीरियस इन्फेक्टेड है। तो ये देश का सबसे बड़ा भी है, सबसे यूनिक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे कोई बिलिंग काउंटर ही नहीं है। तो देश के लिए ये एक मिसाल होगा कि मानवता की सेवा कैसे करनी है, ये आज हम सब लोगों को सीखने की ज़रूरत है। अगर इंसानियत ही मर गई तो इंसानों को क्या करेंगे, और अगर इंसानों को जिंदा रखना है तो उससे पहले इंसानियत को जिंदा रखना है। देखिए साहब, खोला तो सिख कम्युनिटी ने है, लेकिन क्या जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं क्या वो यहाँ पर आ सकती हैं? क्या कोई दिक्कत, कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई पाबंदी कुछ है ऐसी? नहीं, देखिए हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ना हम किसी का आधार कार्ड देखते हैं, ना राशन कार्ड, ना पैन कार्ड। हमारे लिए इंसान इंसान है, ना हम धर्म ना जात में विश्वास रखते हैं। गुरु साहब ने जो हमें संदेशा दिया वो मानवता को सेवा का संदेशा दिया, मानवता को गुरु साहब ने उपदेश दिया, ना उन्होंने एक धर्म को उपदेश दिया। इसलिए जो संदेश और उपदेश भी है और जो सेवा भी है सारी मानवता की है, ना कि किसी एक धर्म की। 100 बेड की आपने बात करी, अगर पूरे दिन का बात करें और 3 घंटे का प्रोसेस है, ये 3 घंटे के प्रोसेस के मुताबिक तो मोटे तौर पर अगर बात करें तो पूरे दिन में कितने डायलिसिस हो जाएंगे? देखिए ये हम जो है हमारी कोशिश है कि 24/7 चलेगा ये। हम तकरीबन 15 दिन बाद इसकी जो है 24/7 चलाएंगे। हम पहले जो 15 दिन हैं वो हम इसको 14-15 घंटे चलाएंगे, उसके बाद इसको 2400 घंटे चलाएंगे। देखिए मैं किसी आलोचना की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी शुरू किए और राज्य सरकारों ने भी शुरू किए अपने अपने राज्यों में, दिल्ली सरकार ने भी इनमें शुरू किए। क्या फ़र्क है आपके और इन जो स्टेट्स के जो गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें? देखिए मैं भी किसी के आलोचना के लिए बात नहीं करता, लेकिन ये सच्चाई है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी गंदगी को देख के पेशेंट मर जाता है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल उसके बिल को देख के। लेकिन दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं, यहाँ सबसे स्वच्छ है, सबसे हाईटेक भी है, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर है, चाहे गुरबाणी का कीर्तन हो रहा हो,
चाहे लंगर हो गुरु का, क्योंकि यहाँ पर मैं देखा कि मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी काफी चीजें कुछ की हुई हैं। घूम रहे हैं तो आप देखो, आपको ये लग नहीं रहा होगा कि मेरे को मेंटली मेरे पे प्रेशर है, वरना हॉस्पिटल में जाने पे आदमी को कितना प्रेशर होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज जिस हिसाब से ये चीज़ें बताई गई यहाँ पर, आपने खैर देख लिया होगा खुद क्या सिचुएशंस हैं और एक दिन में कितने डायलिसिस हो सकते हैं। 3 घंटे का प्रोसेस होता है, कोई पैसा नहीं है। मज़े की बात ये है कि साहब बिलिंग काउंटर ही नहीं है। अब पब्लिक क्या कहती है इसके लिए, क्या रिस्पांस है, क्या सोच है उसकी, बाहर जाके पता करते हैं। और इसके अलावा और जो अलग अलग सेक्शंस हैं उन सबको भी आपको मैं ट्रैवल कराऊंगा, घुमाऊंगा, दिखाऊंगा। क्या प्रोसीजर है उसके बारे में भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोग जो दिल्ली के हैं वो भी, और जो दिल्ली से बाहर आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी कितनी सुविधा यहाँ पर है और आप आ सकते हैं। आइए बाहर चलते हैं। अंदर थे, अब बाहर आ गए, और देखिए यहाँ पर ये पूरा एक रिसेप्शन बनाया हुआ है। इस पूरे को मैं देखूंगा कि कैमरा पर्सन अगर दिखाएं तो देखिए पूरा यहाँ पर रिसेप्शन हुआ है। और अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ट्रीटमेंट जो डायलिसिस होना है वो अभी शुरू नहीं हुआ क्योंकि शुरुआत है। और यहाँ पर आप पब्लिक देखिए, ये सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए हुए हैं। सिर्फ दिल्ली से ही नहीं है, दिल्ली से बाहर से भी काफ़ी लोग इधर पहुँचे हुए हैं। और जो कीमत है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी जो पूरा रिसर्च है, वो 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में, शहरों में जितने भी बड़े और छोटे हॉस्पिटल थे उसमें 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में सारा प्रोसीजर होता, मतलब 3 हज़ार से 4 हज़ार रुपये के बीच में है। और इसके अलावा जो छोटे शहर हैं या गांव, कस्बे, देहात के आसपास जो छोटे छोटे सेंटर्स लगे हुए हैं वहाँ पर जो सिचुएशंस होती हैं उनके थोड़े से कम होते हैं। अब सोचिए कि हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। अब ऐसे में अगर ये सिचुएशन बन जाए तो कितना लाखों रुपया बाहर जाता है, और यहाँ पर बिल्कुल फ्री इधर ट्रीटमेंट इधर हुआ। और देखिए मैं इधर पेशेंट, आप पेशेंट हैं, चलिए आप बताइएगा, ये आपके साथ हैं? जी जी। कौन, आपकी माता जी हैं? जी जी। तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इधर आए? जी। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे, क्या रिस्पॉन्स है यहाँ के बारे में? अच्छा है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। हम रेंट पर रहते हैं, हमारे पे इतना है भी नहीं इतना लगाने के लिए। हम 2 महीने से करवा रहे हैं, इतनी नौबत आ गई कि पापा को उधार लेने पड़े पैसे। हमारे को बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, बहुत। मेरी मदर, मैं चाहती हूँ मेरी मदर की डायलिसिस बंद ही हो जाए, किसी को ना हो ऐसी प्रॉब्लम जैसे मेरी मदर को है। तो यहाँ से आपको चलिए, देखिए इनका नंबर आ गया, ये अब जा रहे हैं। देखिए सब अपने अपने जो क्या आप इस तरीके से सरकारी अस्पतालों में खड़े हो पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है इस तरीके से। क्या नाम है आपका? गणपत सिंह। किसको लेकर आए हो आप? पेशेंट को लेकर। पेशेंट को? अच्छा, तो क्या कहोगे यहाँ के बारे में आप? नहीं, अभी तो किडनी की प्रॉब्लम है उनको। जी, किडनी की प्रॉब्लम है। अच्छा, चलिए जी, आप कहाँ से आए? ये सहदराज। शाहदरा से? तो आप आपका अपना है या लाए किसी को? नहीं, हमारे भाई की बहू है, पेशेंट है। अच्छा अच्छा, ये पेशेंट है। हाँ। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट है, इधर फ्री है, कोई पैसा नहीं देना पड़ा? नहीं, कोई पैसा। क्या कहोगे आप इसके लिए? ये बहुत ही अच्छा है, और इन लोगों के लिए मतलब उस भगवान की कृपा बनी रहे, इसी प्रकार से संस्था चलती रहे, और जो संस्था चलाने वाले उनकी आयु बढ़ती रहे, इसी प्रकार से धर्म कार्य होता रहे। ये इन्होंने बात रखी है। और यहाँ से पूरा ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। देखिए आपकी कोई पेशेंट है आपके? बड़े भाई के लिए। बड़े भाई के? कहाँ से आए आप? बिहार से। बिहार से? जी। देखिए दूसरे राज्य से पहुँचे हुए हैं ये, आइए इधर आइए, बिहार से आए हुए। तो क्या आप मतलब क्या सोचकर यहाँ पर? एक बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ी फैसिलिटी मिली है सभी लोगों के लिए, छोटे लोग बड़े लोग सभी के लिए, इसलिए आया हम। तो यहाँ पर कोई पैसा देना पड़ा आपको? नहीं नहीं, 1 रुपये नहीं, कोई पैसा, कुछ भी नहीं, कुछ सारी सर्विसेज सेवाएं सब आपको एकदम। मतलब क्या माहौल है आपको? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा माहौल है। ऊपर वाला चाहेगा तो आगे बहुत सक्सेस होगा, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इस तरीके से और सब एकदम सब लोग इनिशिएटिव लें, हर कम्युनिटी इनिशिएटिव लें, तो बहुत आगे बढ़ेगी चीज़, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। एक प्राइवेट वाले का मोनोपोली टूटेगा ये। बहुत बढ़िया बात कही है कि हर रिलीजन का आदमी अगर इनिशिएटिव ले, जितने भी धर्म है अगर वो इन सब के ऊपर फोकस करें तो आराम से इजली हर के जो प्राइवेट का मोनोपोली टूट रहा है। ये बात सही है, प्राइवेट की जो मोनोपोली है वो खत्म होगी। आ जाओ दोस्त। हाँ बताओ, क्या कहना चाहोगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू आलम है। इट्स बीन मोर देन 3 इयर्स मैं सोशल वर्क में लगा हुआ हूँ। कहाँ से आया आप? नोएडा रहता हूँ मैं, नोएडा में। किसको लेकर आए हो आप? एक पेशेंट है अंकित, ये मेरे साथ आए। मैं फर्स्ट एक बोलूँगा एक बात, ये उन लोगों के लिए बहुत सुकून वाला काम है जो लोग बाहर के स्टेट से आते हैं यहाँ पर सफदरजंग एम्स दिल्ली में इलाज कराने के लिए, जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं होती है, जो फुटपाथ पे चादर डाल के सो रहे होते हैं, खाने की जगह नहीं होती, दवाई खरीदने की जगह लिए पैसे नहीं होते, उन लोगों के लिए डायलिसिस फ्री है। कमाल की बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव के साथ आए। या ऑब्वियसली ये अंकित है। अंकित आ गया जी। अंकित, कितना खर्चा हो चुका है अभी तक? खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए तक हो चुका है। हो चुका है। अब यहाँ पर ये आपको अगर सुविधा मिल जाएगी तो ये आपका इतना खर्चा होगा? हाँ, बचेगा आपका ये सारा पैसा। बचेगा। कहाँ से हो आप?
यूपी गोंडा से। गोंडा से आए, देखिए गोंडा जिले से आए, वहीं सोशल वर्कर हैं, आप इनको लेकर आए थे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस हॉस्पिटल की खास बात कोई कैश काउंटर नहीं है, कमाल है यार, मतलब इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, मैं सल्यूट करूँ उन लोगों को, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल दोज जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसको इनोग्रेशन कराने के लिए। तो उन तमाम लोगों के लिए मैं भी ये बोलूँगा, क्योंकि कई बार शारदा से अभी पेशेंट मैं भी हाल ही में ले गया था, जो आईसीयू में थे पेशेंट, और उनकी माली हालत इतनी ख़राब थी, उन्होंने इंटरेस्ट लेके पैसा इलाज कराना शुरू किया था, तो डायलिसिस फ्री हो रहा है यार, सल्यूट ऑल दोज, सल्यूट उन लोगों। देखिए कितनी दुआएँ लोग अंदर से दे रहे हैं, कितनी विशेष दे रहे हैं अंदर से, कि अगर इस तरीके के और हॉस्पिटल्स खुल जाएं और हर मज़हब जो कम्युनिटीज़ हैं वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन चलाएं, चलाते हैं लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाते, या फिर सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते, एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, क्या वजह रहती है वो एक अलग मामला है, लेकिन जो यहाँ पर हो रहा है वो वाकई बेहतर हो रहा है। और अंदर चलते हैं, ये देखते हैं क्या है। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, देखिए यहाँ पर सब इधर बैठे हुए हैं, इधर लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका, ये काउंटर है लेकिन बिलिंग काउंटर नहीं है, याद रखिए काउंटर है, रजिस्ट्रेशन काउंटर है, बिलिंग काउंटर नहीं है। देखिए ये सब लोग दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, अलग अलग स्टेट से, राज्यों से यहाँ पर सब पहुँचे हुए हैं, और सबकी स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ पर सब प्रॉपर मास्क लगे हैं। अब क्या स्थिति है, मुझे कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। कहाँ? इधर इधर आ जाइए, वो देखिए कैमरा चल रहा है उधर। हाँ कहाँ से हैं आप? पहाड़गंज से। हाँ पहाड़गंज, दिल्ली। पहाड़गंज से यहाँ फ्री सेवा मिल रही है आपको, कितने आपको इससे फ़ायदा पहुँचेगा? अच्छा है, फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा, तो अभी तक कितना खर्चा हो चुका है? अभी तो मैं पहली बार आया हूँ। आप पेशेंट हो या लेकर आए हो? नहीं नहीं, अभी पेशेंट लेकर नहीं आया हूँ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। हाँ। रजिस्ट्रेशन कराने आए, आप खुद हैं या पेशेंट हैं? खुद हैं। आप खुद हैं? आप खुद ही पेशेंट हैं? हाँ जी। तो कितने साल से प्रॉब्लम है आपको किडनी का? मेरे साथ नवंबर से। अच्छा, तो अभी तक कितना खर्चा हो चुका हो आपका? करीब हो गया 2-2.5 लाख करीब। 2-2.5 लाख रुपये। तो यहाँ पर आने के बाद तो एक डायलिसिस की सुविधा आपको मिल रही है? अभी तो डायलिसिस शुरू हुआ नहीं है, अभी रेस्ट कर रहे थे, क्या होता है अभी स्टेशन है, तो फिर आपको यहाँ पैसा भी कोई नहीं देना होगा। हाँ जी हाँ जी। तो क्या रिस्पांस है, क्या आपका हो इनके लिए? हम कहते हैं अच्छा है, पेशेंट के लिए अच्छी खुशखबरी है, पर रिलैक्स मिलेगा। देखिए बार बार सब ये कह रहे हैं कि रिलैक्स मिलेगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिनके नाम से ये पूरा गुरुद्वारा है वो ये हैं, जत्थेदार बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा दिल्ली वाले, 1920 में पैदा हुआ था, 2011 में इनका प्रवास हुआ था, तो इनके ये नाम से पूरा इधर है। और बाहर देखिए हम अब बाहर इधर आकर आते हैं सब, क्योंकि जो स्थिति है, जो हालात है, मैंने पहले कहा था कि रिलीजन का कोई बाउंड नहीं है, कोई भी आ सकता है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, अपना इलाज करा सकता है। आप पेशेंट हैं या आप हैं? नहीं, मेरी मदर है। अच्छा, आपकी मदर है। तो पेशेंट कौन है, मरीज कौन है आप? लाइन में। अच्छा, लेकर नहीं आई। अभी तक कितना खर्चा हो चुका होगा आपका? काफ़ी हो चुका, कभी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया। अगर ये फ्री हॉस्पिटल खुल गया है तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हैं हम। मैं बहुत पैसा लगा के अपनी मदर के लिए आ चुका हूँ, और अब लास्ट में फ्री मिला है तो बहुत खुशी अंदर से हुई है, तो किसी को भी होती है। दिल्ली से ही हैं आप? हाँ जी। आप भी दिल्ली? हाँ जी, दिल्ली से ही हैं। बाकी मेरी वाइफ है, और 10-12 साल से प्रॉब्लम है, मैं DTC से था, रिटायर हो गया, बट लगा चुका सब कुछ, अब हालत ये आ गया कि नहीं है, तो फिर 15 लाख रुपये लगा, खर्चा हो चुका होगा 15 लाख। मैं तो 15-20 लाख रुपये तो कम खर्च कर चुका डायलिसिस पे। इसमें और भी प्रोसेसर होते हैं, इसमें होता है फेस्टुला बनता है हाथ में, उसका भी 1-1 लाख रुपये खर्चा हो जाता है, और इसमें लाइंस चलती हैं, उसका भी हो जाता है, उसके बाद बिल्कुल हार के कुछ भी नहीं मिलता है, तो 3-3 हज़ार रुपये में डायलिसिस होती है। अब हमें फ्री मिल रही है, तो हम तो सिक्स की तरफ से बहुत अच्छे खुश हैं कि हमें ये कोई अगर ये सेवा मिली है, ये सेवा में अगर जुड़ने के लिए कहे तो मैं इच्छुक हूँ इस चीज़ के लिए। देखिए बहुत बड़ी उन्होंने बात कही है कि यहाँ पर पूरा थैंक्स किया है, हार्टली थैंक्स किया इस बात के लिए कि यहाँ पर ये सेवा फ्री मिल रही है। मैंने बताया कि 3-4 हज़ार के बीच में जो बड़े हॉस्पिटल हैं, छोटे उन सबको मिलाकर तकरीबन इतना पैसा जाता ही जाता है, वो सेवा आपको फ्री मिल रही है। और बात सिर्फ 3-4 हज़ार की नहीं है, हफ्ते में 3 बार कराना होता है, अब सोचिए कि महीने में कितना कराना होगा और कितना लॉर लगातार कराना पड़ता है किडनी में, ये बड़ी दिक्कत है। तो अब ऐसे में इस तरह की जो सेवा है, जो सुविधा यहाँ पर जो लोगों को मिली है, वो वाकई काबिले तारीफ़ है, और सलाम है इनके इस जज्बे को, जहाँ पर इन्होंने ये सब इस तरह के सिस्टम को चलाया, लोगों को फ्री सेवाएं दी। इसके अलावा और भी हॉस्पिटल यहाँ पर अब खोले जाएंगे, जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी 11 तारीख को और एक बड़े हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होने वाला है, वो उससे भी बड़ा है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, उसकी भी सब पूरा कवरेज करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इस हॉस्पिटल को लेकर ये वीडियो शेयर करेंगे, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके और वो लोग यहाँ पर आ सके, मालूम हो पाए कि फ्री सेवा भी यहाँ पर मिल रही है।
अब मुझे और मेरे कैमरा पर्सन गुरचंद को इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही, आदाब, नमस्कार।